Hello students, let's start. It's class first. Subject TVS, chapter 5. Chapter name, at school. इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने स्कूल की. योर टीवीएस बुक एंड ओपन पेज नंबर 25. अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए. आई एम सोनिया, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैनी चिल्ड्रन कम टू स्टडी देयर. We learn many things at school. यहाँ पर एक गर्ल है, इसका नाम है सोनिया और ये अपने स्कूल के बारे में बता रहे. हम सबको पता है कि we all go to the school for study. हम सभी स्कूल में स्टडी करने के लिए जाते हैं और स्टडी के दौरान स्कूल में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. We learn many things there. In school, there are many teachers. We learn to read and write. School में बहुत सारे teachers होते हैं और teachers की मदद से हम सीखते हैं. पढ़ना और लिखना, रीड एंड राइट, ये हम स्कूल में सीखते हैं. We learn to do sums, we learn to paint, draw, and learn about the world, and learn to become good children. स्कूल में हम सम सीखते हैं. पेंट करना सीखते हैं. वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं और साथ में गुड चिल्ड्रन बनते हैं. हमें सिखाया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर शुड बी ऑफ अ चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनकी कैसे सीखना चाहिए, सारी चीजें स्कूल में ही सीखते हैं. People who help us in school. हम बात करते हैं उन लोगों की जो स्कूल में हमारी हेल्प करते हैं. Our principal, Mrs. Roy, is a kind lady. यहाँ पर सोनिया के स्कूल के प्रिंसिपल हैं. इनका नाम है Mrs. Roy, और वो एक kind lady हैं. Kind lady के होने का मतलब है कि बहुत दयालु हैं और ये सबका ध्यान रखते हैं. She takes care of the whole school. Our teachers are very kind and teach us our lessons very well. ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो ये पूरे स्कूल की केयर करती हैं. और स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं. We love our school and respect our principal and teachers. हम सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल को पसंद करते हैं और अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं.
Now all of you come at page number 26. Page number 26 पर आ जाइए. There are many other people also in school who help us. They do many things for us. We must thank them for helping us. School में principal और teacher के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी help करते हैं. हमें उनके उनके काम के लिए हमेशा thanks बोलना चाहिए. जैसे लाइब्रेरियन, नर्स, गार्डनर, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे स्कूल में होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं. स्पेशल डेज है स्कूल. हम बात करते हैं कि स्कूल में कौन कौन से स्पेशल डेज होते हैं. On Independence Day and Republic Day, we have a parade at the school. Independence Day and Republic Day. In dono din school mein parade hoti hai. आप जानते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप एक साथ मूव करता है फ्लैग्स लेकर के, उसको परेड कहते हैं. तो ये परेड हर साल इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे पर स्कूल में होती है. द प्रिंसिपल होस्ट द नेशनल फ्लैग. वी ऑल सैल्यूट द फ्लैग एंड सिंग अवर नेशनल एंथम. स्कूल के प्रिंसिपल ये फ्लैग को होस्ट करती हैं, झंडा फहराती हैं और हम सब सैल्यूट करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेशनल एंथम सिंग किया जाता है. ये इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे दोनों डे पर ये एक्टिविटीज होती हैं. On 5 September, we celebrate Teachers' Day. अब हम बात करते हैं 5 September की. इस दिन हम लोग Teachers' Day celebrate करते हैं. It is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, a famous man and a great teacher. ये टीचर्स डे एक्चुअली ये बर्थडे है एस राधा कृष्णन का, डॉक्टर एस राधा कृष्णन. जो कि एक बहुत ही एक मैन एंड राइटर हुए, ये बहुत ही महान इंसान और बहुत ही महान लेखक. द चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ फंक्शन. दे गिव फ्लावर्स एंड कार्ड्स टू द टीचर. टीचर्स डे के दिन फंक्शन होता है स्कूल में और इस फंक्शन में स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को फ्लावर्स एंड कार्ड्स देते हैं जिससे कि वो अपने टीचर्स को टीचर्स डे विश कर सके.
On 14 November, we celebrate Children's Day. इसके बाद 14 नवंबर इस दिन हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। It is the birthday of Jawaharlal Nehru, a great man who loved children very much. 14 November Children's Day. ये भी बर्थडे है। ये बर्थडे है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये चिल्ड्रंस को बहुत पसंद करते थे। They love the children. The teachers decorate the classes. There is a function in school. Sweets are given to the children. Children's day के दिन classes decorate की जाती हैं. इस दिन भी school में function होता है. और स्टूडेंट्स को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती। तो स्टूडेंट्स, इस ऑल वाज अबाउट एट स्कूल ऑफ द चैप्टर 5। ये सारी बातें आपके चैप्टर 5 की हैं। चैप्टर नेम एट स्कूल। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।